चंडीगढ़ में बीजेपी के देहाती विंग ने प्रशासक वीपी बदनोर से मुलाकात की और गांव में रुके हुए विकास और समस्याओं से अवगत करवाया। देखिए खास रिपोर्ट। चंडीगढ़ प्रशासन लगातार अवैध कब्जों को लेकर सख्त दिखाई दे रहा है। इस कड़ी में भाजपा के देहाती विंग ने प्रशासक वीपी बदनोर से मुलाकात की और अवैध कब्जों और गांवों के विकास को लेकर एक ज्ञापन सौंपा। चंडीगढ़ भाजपा के उपाध्यक्ष रामवीर भट्टी ने बतलाया कि गांवों के अंदर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं है, जिससे लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो अपने गांव है सारे के सारे 22 के भाई, सारे गांव के अंदर कारपोरेशन में आने के बाद इस टाइम डेवलपमेंट कोई हो नहीं रही थी, अब कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही। सड़कें जो हैं वहाँ पर कुछ काम नहीं हो रहा, नली जो नालियाँ हैं सीवरेज है वो सारा रुका है। वो सारी जितनी समस्याएं थे गवर्नर साहब के ध्यान में लिया, गवर्नर साहब ने कमिश्नर साहब को बुलाया था, जो के यादव जी, अभी आप सब लोगों ने देखा भी कि के यादव जी अभी निकल करके गए हैं, तो उन्होंने सारी बात हम लोगों ने उनके सामने रखी, उन्होंने सुन के गया कर लगा जो हमारे लेवल का है कारपोरेशन का कारपोरेशन करेगी और जो प्रशासन का है वो अडवाई साहब के पास, यहाँ से सीधे अडवाई साहब के पास गए, हम उनके साथ बात कर करके जल्दी से जल्दी समस्याओं का समाधान। वहीं इस मामले को लेकर चंडीगढ़ मेयर राजेश कालिया का कहना था कि गांवों के रुके हुए विकास को तेजी मिलेगी और लोगों को सुविधाएं भी उपलब्ध करवा दी जाएंगी, इसके लिए जल्द ही अधिकारियों से मुलाकात होगी ताकि भविष्य में जिस तरीके से हम पार्षद गांव के विकास की बात करते हैं, गांव के विकास के लिए अफसरों अधिकारियों से बात करते हैं, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और बहुत जल्द ही मैं जितने भी नॉमिनेट हुए हैं उन सब की एक तरह से इंट्रोडक्शन मीटिंग मैं जो है कॉरपोरेशन के अंदर करूँगा, ताकि जो जो चेयरमैन बने वो अपने अपने अधिकारियों की पहचान कर ले और जितना जल्दी हो सके। गवर्नर साहब ने हमें कहा है कि वो बहुत जल्दी गाँव के विकास के लिए 50 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में जो है राशि उपलब्ध कराएंगे और वो राशि आने से गाँव का विकास के ऊपर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो विकास की तेजी है वो हम तेजी लेकर आएंगे। इसके साथ ही गाँव वासियों की मांग है कि उनके गांव में विकास किया जाए ताकि वे भी सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें। चंडीगढ़ प्रशासन और नगर निगम लगातार अवैध निर्माण को रोकने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर रहा है और उसी के तहत चंडीगढ़ के जो गांव हैं वहां पर भी एक नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जिसको लेकर बीजेपी का देहाती जो है प्रतिनिधि मंडल आज चंडीगढ़ के प्रशासक वीपी सिंह बदनोर से मिला है और उन्हें अपील की है कि गांव के जो हालात है, जो खस्ता हालात है, उन्हें ठीक किया जाए और उसके बाद जो ये फैसला है वापस लिया जाए, क्योंकि वो जो घर है वो बहुत पहले से बने हुए हैं और अभी अगर उन्हें गिरा दिया जाएगा तो उससे कहीं ना कहीं जहाँ उनका आशियाना है वो ढह जाएगा, ऐसे में इस फैसले को वापस लिया जाए और इसके अलावा विकास किया जाए गांव वासियों का भी। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन सुखपाल के साथ पूजा वर्मा, खबरें अभी।